हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के समक्ष बेसिक नॉलेज कोर्स में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूं। हमारे चैनल पर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कोर्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर के पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से आपको कंप्लीट फंडामेंटल की बेसिक वीडियोस आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आप कंप्यूटर के बिगनर हैं, अगर कंप्यूटर आप सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, जीरो लेवल से कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, तो आपको खासा मदद करेगा। उसी क्रम में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी देने वाला हूँ, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का जो प्रैक्टिकल है, बिकॉज अभी तक थ्योरी की क्लासेस चल रही थी। और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारा इंस्टीट्यूशन है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आईटी, जो कि यूपी के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है। इसकी कई सारी शाखाएं रन कर रही हैं पूरे यूपी में, तो हर ब्रांच पर जा कर के पढ़ा पाना संभव है नहीं। सो डिजिटली मैं हर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के ही रिक्वेस्ट पर मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो मेरी क्लासेस होंगी बिगनर्स के लिए, बिगनर्स टू एडवांस होंगी। कहने का मतलब, जो कंप्यूटर में कुछ नहीं जानता है, कंप्यूटर को जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर पहली बार वो कंप्यूटर पर पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहता है, कंप्यूटर को सीखना चाहता है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यदि आपकी कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट से हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम फर्स्ट डे की क्लास देखते हैं। जीरो लेवल से हम कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर को हम ऑन करने से लेकर के कंप्यूटर को हम कैसे कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर के किस इंटरफेस को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर में माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज जानेंगे। कहने का मतलब, कंप्यूटर की ABCD से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, जिसे हम मेन विंडो कहते हैं। मेन विंडो, हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने अवेलेबल है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आगे चीज़ें अगर आप हमारा थ्योरेटिकल वीडियो देखे होंगे, या अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी थ्योरी की वीडियो आप देख लें, तो उसमें आपको पार्ट ऑफ कंप्यूटर मिलेगा, और पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कंप्यूटर आपका है वो IPO टेक्नोलॉजी पर काम करता है। IPO क्या है? IPO मीन्स होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, या आप कह सकते हैं इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट। और ये टाइप ऑफ हार्डवेयर भी है, हार्डवेयर 3 प्रकार का होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इन 3 प्रकार की ही डिवाइसेस कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं, इसके अलावा कोई भी डिवाइस नहीं लगती है कंप्यूटर में। कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे, या तो वो इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा, और जिस पर हम काम कर रहे होंगे वो प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, जिसमें हम कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर IPO टेक्नोलॉजी पर काम करता है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई यूज़र इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन करता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है, और प्रोसेसिंग डिवाइस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ALU, CU तथा MU की मदद से उसका कंप्लीट रिजल्ट तैयार करता है, और उसके बाद वह उचित आउटपुट डिवाइस को प्रेषित कर दिया जाता है, जिससे हमें परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम IPO टेक्नोलॉजी कहते हैं, इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट। अब हम चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर को ऑन हम कैसे करते हैं। यदि हम डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप, जिसे हम PC, PC XT एंड PC80 बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं,
डेस्कटॉप में जो मेन डिवाइसेस लगती हैं आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, सीपीयू होता है। कीबोर्ड और माउस जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, इसे हम बेसिक इनपुट डिवाइस कहते हैं बिकॉज इसके बिना कंप्यूटर को यूज़ कर पाना संभव नहीं है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, एक विजुअल आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट भी दो प्रकार होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो हमें विजुअली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और प्रोसेसर जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सारे वर्क और फंक्शन को, जो सारे परिणाम आपको मिलते हैं, परिणाम को क्रियान्वित करके उसका रिजल्ट तैयार करने का काम सीपीयू करता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और सीपीयू के अंतर्गत मेन तीन यूनिट होती है, एलयू, सीयू एंड एमयू, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये एक बेसिक सिस्टम की ये बेसिक डिवाइसेस हैं जिसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। और यदि हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या लैपटॉप पर ही बना रहा हूँ, लैपटॉप, लैप मीन्स होता है गोद, गोद के ऊपर जो आपके रख के चलाते हैं उसको हम लैपटॉप कहते हैं, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी करते हैं। लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, नोटबुक की तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है। जब उसको हम चलाते हैं तो हमारा लैपटॉप में जो लगी बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, फिर उसको हम अलग जगह पर उस बैकअप के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपका PC-AT, पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका पाम टॉप कंप्यूटर आता है। पाम मीन्स होता है हथेली, और जो हथेली पे रख के कंप्यूटर हम चलाते हैं उसको पाम टॉप कहते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है। तो ये है आपका मेन माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो हम मेन चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हम लैपटॉप, मोबाइल अब हर कोई यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, और डेस्कटॉप मैंने बताया, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो सिस्टम को ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर बोर्ड होता है उसमें हमारा CPU का पावर प्लग लगा होता है और मॉनिटर का पावर प्लग लगा होता है, उस स्विच को हम ऑन करते हैं और CPU में लगी पावर बटन को हम ऑन करते हैं और मॉनिटर की पावर बटन को हम ऑन कर लेते हैं। CPU की पावर बटन को ऑन करते ही CPU बूट करना स्टार्ट कर देता है, कंप्यूटर पोस्ट करता है। पोस्ट करने का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है, तथा कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रित रूप है, एकीकृत रूप है। तो जो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर होता है उनकी फाइलों को चेक किया जाता है, और फाइलों को चेक करना, सिस्टम में लगे कंपोनेंट्स को चेक करना सिस्टम के बूटिंग टाइम में होता है, जिसे हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग जो है वो दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है और एक वार्म बूटिंग होता है। कंप्यूटर आप पहली बार जब ऑन कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होती है बिकॉज मदरबोर्ड में लगे सारे कंपोनेंट कोल्ड होते हैं, ठंडे रहते हैं। और मेरा कंप्यूटर चल रहा होता है और हम जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर बंद होता है और दोबारा से ऑन होता है, उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड पे लगे हुए सारे कंपोनेंट्स हीट होते हैं, तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये हो गया बूटिंग। आप देख रहे हैं हमारे सामने कंप्यूटर का मेन विंडो ओपन है। मेन विंडो, मैंने अभी आपको मेन विंडो बताया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो मेन विंडो हमारे सामने अवेलेबल है। मेन विंडो कहने का मतलब वह इंटरफेस जहां से हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें, जहां से हम कंप्यूटर पर कोई भी काम कर सकते हैं, उसको हम मेन विंडो कहते हैं। वैसे विंडो के दो प्रकार होते हैं, मेन विंडो एंड ग्रुप विंडो। मेन विंडो आपका यही आपके सामने जो डेस्कटॉप प्रेजेंट है, जो आपका स्क्रीन आपको दिख रहा है, वही आपका मेन विंडो है। और जो ग्रुप विंडो होता है उसके अंतर्गत आपका एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो आता है, और एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आपका एक्टिव विंडो आता है। इसको हम आगे बताएंगे, हम मेन विंडो के बारे में समझेंगे। मेन विंडो जो आपके सामने ओपन है उसमें आप देख पा रहे हैं, मेन विंडो को पहचानने का एक तरीका होता है। मेन विंडो के मेन तीन पार्ट है, तीन भाग होते हैं, जिसे हम डेस्कटॉप, आइकन्स एंड टास्क बार कहते हैं। कहने का मतलब जो ये आपको बैकग्राउंड एरिया दिख रहा है, मैं पॉइंटर से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको बैकग्राउंड एरिया दिख रहा है जिस पर एक पिक्चर लगा हुआ है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, या इसे हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। और जो ये ग्राफिकल सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, इसको हम आइकन्स कहते हैं। सिंगल है तो आइकन, एक से ज़्यादा है तो आइकन्स कहते हैं।
नीचे एक पट्टी है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। किसी भी टास्क पर हमें काम करना है तो वो टास्क बार पर हमें अवेलेबल मिलता है, मतलब जो टास्क पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं या जिस फाइल पर हम काम कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन की फ़ाइल आपको यहाँ टास्क बार पर शो करती रहती है। आप ध्यान देंगे यहाँ ये आपका विंडो का सिंबल बना हुआ है, जिसे हम विंडो की या स्टार्ट बटन बोलते हैं। यहीं से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं जो टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल होता है। और इसके जस्ट बगल में आपको जो सिंबल्स दिख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स, कुछ आइकन्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, इस एरिया को हम क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं। यहाँ क्विक लॉन्च का मतलब, क्विक मतलब होता है जल्दी, लॉन्च मतलब होता है ओपन हो जाना। यदि हम किसी भी आइकन पर एक सिंगल क्लिक कर देते हैं तो जस्ट वो लॉन्च हो जाता है, ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। तो इसे क्विक लॉन्च एरिया कहते हैं। और टास्क बार के राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ से हमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है। यदि हम कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन एरिया के माध्यम से हमें पता चल जाता है। यदि हम कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं तो यहीं से नोटिफाई हो जाता है। और यहाँ एक बलून आ जाता है, उसमें आपको लिख करके आता है फाउंड अ न्यू हार्डवेयर, और फिर उसका कंप्यूटर में उसका ड्राइवर लिया जाता है। और यदि ड्राइवर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो डिवाइस यूजेबल हो जाती है। अब हम समझते हैं जो आपका मेन विंडो है उसके तीन पार्ट में, जैसे डेस्कटॉप हो गया, आइकन्स हो गए एंड टास्क बार। तो हम सबसे पहले आइकन्स से समझ लेते हैं। आइकन्स मेन चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका सिस्टम आइकन, सेकंड आपका फोल्डर आइकन, थर्ड आपका प्रोग्राम आइकन एंड फोर्थ आपका शॉर्टकट आइकन। सिस्टम आइकन में जैसे आपका ये माई कंप्यूटर या डिस्क पीसी लिखा हुआ है, आपका रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, या आपका जो यूज़र नेम का एक फोल्डर होता है वो है आपके सिस्टम आइकन कहे जाते हैं। और ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इसे हम फोल्डर आइकन कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम खुला है, जैसे प्रोग्राम का एक ये फाइल आपकी सेव करके रखी हुई है, जैसे न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है और न्यू पेज मेकर करके फाइल है, या फोटोशॉप की फाइल है, या कोई भी ऐसी फाइल जो कोई भी प्रोग्राम की फाइल होगी आपके डेस्कटॉप पर, उसको हम प्रोग्राम आइकन कहेंगे। डायरेक्टली वो प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्ट वो प्रोग्राम लॉन्च कर जाता है या वो एप्लीकेशन लॉन्च कर जाता है, तो इसे हम प्रोग्राम आइकन कहते हैं। और ये जो आपका आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा एरो बना हुआ है इसमें, इसको हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। शॉर्टकट मतलब किसी भी आइकन का डुप्लीकेट। ये आपका फोल्डर आइकन यहाँ पर L380 लिखा हुआ है, इसी का एक शॉर्टकट है, इसी का एक डुप्लीकेट है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पेजमेकर का एक डुप्लीकेट है, नोट पैड का डुप्लीकेट है। तो ये आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। किसी भी फोल्डर पर हम जाएं और हम राइट क्लिक करके उसका शॉर्टकट यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या सेंड टू में आप जाएं और डेस्कटॉप पर क्रिएट शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके आइकन्स। हम देखते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो वॉलपेपर आपका है, जो आप बैकग्राउंड पे लगा हुआ जो पिक्चर है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने का तरीका अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो हम कुछ भी इंडिकेशन दे रहे हैं माउस पॉइंटर के माध्यम से दे रहे हैं। और जो माउस है आपका मेन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका मैकेनिकल माउस, सेकेंड है आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस एंड थर्ड है आपका ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में ऊपर दो बटन होती थी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी बटन। नीचे एक मेटल का रोलर होता था, उसके ऊपर रबर लगा होता, उसी से रोल करते थे तो पॉइंटर रन करता था। ये पुराना हो चुका, अब नहीं मिलता आपको। सेकेंड उसके बाद आया ऑप्टो मैकेनिकल। ऑप्टो मैकेनिकल में ऊपर तीन बटन होती थी, जिसे प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन एंड स्क्रॉल बटन कहते थे। प्राइमरी बटन को लेफ्ट बटन बोलते हैं लोग, सेकेंडरी को राइट बटन बोलते हैं, और स्क्रॉल बटन को मिडल बटन कहा जाता है। इसके बाद है आपका थर्ड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होता है, ऊपर तीन बटन होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्क्रॉल, और नीचे आपका लेज़र लाइट पाया जाता है जिसके माध्यम से हम माउस को यूज़ करते हैं। और माउस के जो मेन फंक्शन है, माउस चार काम मेन करता है। जो प्राइमरी की से फोर वर्क ऐसा है इसका जो मेन है, जिसमें पहला काम है क्लिकिंग। यदि अभी हम एंटर की ओके की बोलते हैं, एंटर को हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे हम किसी भी आइकन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मस्ट होता है सिलेक्शन करना। यदि हम सेलेक्ट, जैसे हम किसी ग्रुप में बैठे हों और हमें किसी से कोई बात कहनी है, जब तक हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, या हम
कुछ भी उससे कहेंगे उसका रिजल्ट हमें वो नहीं देगा। तो इसके लिए सेलेक्शन मस्ट होता है। तो माउस की हम प्राइमरी बटन को एक बार क्लिक कर देते हैं तो सेलेक्शन हो जाता है, और सेलेक्शन है तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो आपका जो फोल्डर है या जो आइकन है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा काम है माउस का, प्राइमरी बटन से ही अगर हम दो बार क्लिक कर देते हैं तो हमारा कोई भी फोल्डर या फाइल या आइकन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये है आपका डबल क्लिक। इसका तीसरा काम होता है ड्रैगिंग करना। आप देख रहे हैं हम उसके मूवमेंट, जो आपका फोल्डर है, फोल्डर आइकन है, इसके लोकेशन में परिवर्तन कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। जहाँ उस पहले से स्थित था उसके लोकेशन में हम परिवर्तन कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। और ड्रैगिंग करने के लिए हमें प्राइमरी बटन को पुश करके रखना होगा और फिर माउस को मूव करेंगे इधर उधर, तो हमारा ये फोल्डर या जो भी आइकन या फाइल है वो मूव करेगा। इसे हम बोलते हैं ड्रैगिंग। और फिर हम उसको ले जा करके कहीं भी रख देते हैं। अभी हम देख लीजिए हम इसको मूव कर रहे हैं तो एक इंडिकेटर शो कर रहा है रखने के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसमें व्यू है वो मैंने ऑटो सेटअप लगा रखा है। कहने का मतलब यही, अगर हम राइट बटन को प्रेस करते हैं, सेकेंडरी बटन को प्रेस करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, इसमें व्यू होता है। और व्यू पर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ऑटो अरेंज आइकन्स है। इस पर अगर हम ये चेक हटा देते हैं फिर हम इसको उठाएं और कहीं भी ले जा करके रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। और रखने की प्रक्रिया माउस का है, वर्क है पॉइंटिंग। इसके द्वारा हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये माउस का चौथा काम है। और इस काम के नाते ही माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। फिर हम इसको उठाएं और हम कहीं भी रख सकते हैं। ये है आपका पॉइंटिंग। तो माउस के मेन प्राइमरी बटन से जो मेन फंक्शन है चार हैं, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड पॉइंटिंग। क्लिक से सेलेक्शन होता है, डबल क्लिक से ओपन हो जाता है, ड्रैगिंग से हम लोकेशन में परिवर्तन मूवमेंट कर सकते हैं, और पॉइंटिंग से हम उसको रख सकते हैं। अगर हम राइट बटन का यूज़ देखें तो मेन वर्क है, राइट क्लिक करते ही हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है जहाँ से हम ओपन कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह जान सकते हैं। इसका हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपने फोल्डर का या अपने किसी भी फाइल का साइज जानना चाहते हैं या उसका लोकेशन जानना चाहते हैं, उसका हम डेस्टिनेशन चेक करना चाहते हैं, उसकी साइज चेक करना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज़ पर जा करके चेक कर सकते हैं। हिडन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काम हम सेकेंडरी बटन से ही करते हैं, राइट बटन से करते हैं। ये हो गया माउस का वर्क। ऐसे ही कीबोर्ड होता है, चूँकि हम लैपटॉप पे आपको बता रहे हैं तो कीबोर्ड जो होता है वो देखा जाए तो उसके कीज का जो संग्रह होता है, कीज जो उसमें होती हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड या कीज के आधार पे क्वालिटी कीबोर्ड, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं, कीबोर्ड हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अलग बोर्ड पर कीज़ का संग्रह होता है, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। डेस्कटॉप में कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में कीपैड होता है, ऐसे ही मोबाइल में टच पैड होता है या कीपैड भी हम वहाँ भी कह सकते हैं। तो कीबोर्ड पर जो है अलग अलग कीज़ होती हैं, जिसमें फंक्शन कीज़ होती है, आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, टेक्स्ट कीज़ होती हैं, प्रोग्राम कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक पैड होता है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसमें तीन प्रकार के लॉक होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, जिससे हम अपने कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपका कीबोर्ड के बारे में मैनुअली ऐसे ही मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डेस्कटॉप को हम चेंज करके देख लेते हैं। हम यहीं राइट क्लिक करेंगे या सेकेंडरी बटन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम जाएं और यहाँ पर्सनलाइज पर क्लिक कर दें। हमको कुछ भी चेंज करना है डेस्कटॉप में, अगर हमें वॉलपेपर बदलना है, बैकग्राउंड एरिया को हमें चेंज करना है, तो आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट तरीके से बैकग्राउंड सेलेक्ट होके आता है चूँकि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें। और आप यहाँ पर आपको व्यू मिल रहा है, यहाँ से आप चुनाव करेंगे कि आप पिक्चर रखना चाहते हैं, आप कोई कलर रखना चाहते हैं, आप स्लाइड शो प्रदर्शित करना चाहते हैं, किसी फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी जो वहाँ इमेज फाइलें होंगी वो शो करेंगी। तो यहाँ से हम पिक्चर ले रखे हैं और यहाँ हम जा कर के अपने डेस्कटॉप के पिक्चर को बदल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर डायरेक्टली चेंज हो जाती है। अगर हमें और पिक्चर जाके चुनना है तो हम यहाँ ब्राउज पर जाते हैं और हम पिक्चर यहाँ से अपने सिस्टम में सेव पिक्चर्स को हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ चले जाएंगे और हम वॉलपेपर ओपन करेंगे, जहाँ भी वॉलपेपर अवेलेबल होगा वहाँ से हम वॉलपेपर को लेंगे और हम
यहाँ पर उसको सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ वॉलपेपर है, काफ़ी अंदर है, और यहाँ हम नेचर्स पर चले जाते हैं, और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से कोई भी नेचर पिक्चर हमने ले लिया, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से मेरी पिक्चर आ गई, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और हम यहाँ से अगर बैक चले जाते हैं, अगर हमने सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, फिर हम उसमें से चुन सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है चूज फिट है, अगर हम फिट करके रखना चाहते हैं तो फिट होकर के आ रहा है। अगर हम यहाँ से स्ट्रेच कर देते हैं, छोटी पिक्चर है तो भी पूरे आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से टाइल कर देंगे तो इसका जितना बड़ा आपका जो ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ में जितना भी आपके डेस्कटॉप पर फिट हो पाएगा, अलग अलग पिक्चर्स वहाँ आ जाएंगे। और अगर हम सेंटर करेंगे तो पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज़ है उस साइज़ में वो बीच में आ जाएगा आपके डिस्प्ले पर। और यहाँ से जा कर के हम स्पैन कर लेंगे तो स्पैन में भी स्ट्रेच की तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा। तो हम यहाँ से जा कर के स्ट्रेच कर लेते हैं और यहाँ पर आ कर के हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पिक्चर मिल जाएगी। ये नेचर का पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट हो गया। पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज पिक्चर छोटा था और हमने स्ट्रेच करके लिया है, तो ये पिक्चर इस तरह से प्रेजेंट हुआ। हम फिर से जाएंगे पर्सलाइज पर चले जाएंगे और यहाँ से हम पिक्चर को चेंज करेंगे। पिक्चर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और पिक्चर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये है डेस्कटॉप का जो हमारा ये वॉलपेपर, उसको हम ऐसे बदलते हैं। हम थोड़ा सा टास्क बार के बारे में भी देख लेते हैं। हमने बताया कि ये क्विक लॉन्च एरिया है, कहने का मतलब यदि हम किसी भी फाइल पर किसी भी टास्क पर हम क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली वो एक सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा, जबकि डेस्कटॉप पर जो आइकन है उस पर हमें डबल क्लिक करना पड़ता है तब वो ओपन होता है। यहाँ सिंगल क्लिक पर ओपन हो जाता है, कहने का मतलब ये क्विक लॉन्च हो जाता है, तुरंत लॉन्च हो जाता है। राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में हम यहाँ डेट टाइम सारा कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ कुछ नोटिफिकेशन सिंबल्स होते हैं जहाँ से हम अपना सिस्टम में कोई भी कुछ भी नोटिफाई करना है, जैसे इसे हमें टैबलेट मोड में करना है, नेटवर्क चेक करना है, या कोई सेटिंग एयरप्लेन मोड कुछ भी हमें करना है तो हम यहाँ नोटिफिकेशन एरिया के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी एरिया में हमें कोई भी जब हम हार्डवेयर नया लगाते हैं तो हमें एक बलून्स के माध्यम से कंप्यूटर बताता है कि हमने एक नया हार्डवेयर फाउंड किया है, फिर उसका वो ड्राइवर लेता है, अगर वो ड्राइवर मिल जाता है उसको तो वो आपका जो लगा हुआ हार्डवेयर होता है वो रन कर जाता है। और एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो डिफ़ॉल्ट तरीके से आपका टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होता है, जिसे हम विंडो बटन भी कह सकते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहीं से हम सारे प्रोग्राम को ओपन करते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उनको हम यहीं से ओपन कर सकते हैं। और कोई भी काम हम यहाँ से कोई भी फाइल या किसी भी टास्क पर हमें जाना है, कुछ भी हमें करना है तो हम यहीं से किसी भी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आकर के उसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें यूज़ करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आकर के क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है। कहने का मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, या कोई भी हमारा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है उसको हमें खोलना है, उस पर काम करना है, तो हम टास्क बार के माध्यम से जाते हैं। तो ये टास्क बार का यूजेज है, किसी भी टास्क पर हम काम कर रहे होंगे वो आपका यहाँ पर शो करेगा। तो ये है आपका मेन विंडो का प्रकार, आइकन्स, डेस्कटॉप एंड टास्क बार। इससे हम अपने डेस्कटॉप की पहचान कर सकते हैं। यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना हुआ तो हम यही टास्क बार पर अपने जाते हैं और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पावर सिंबल है, ऐसे जब आप सीपीयू में ऑन करेंगे तो ऐसा ही पावर सिंबल आपको वहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ अगर हम पावर सिंबल पर क्लिक कर दें तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं बंद किया जाता स्विच से, अगर हमें बंद करना है, क्लोज करना है, तो हम पावर बटन से या शट डाउन करके सिस्टम को बंद करते हैं। अभी हम यहाँ आपको दिखाते हैं विंडो 10 होने के नाते, विंडो 7 या XP पिछले जो भी वर्जन्स हैं उसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास शट डाउन करके आएगा और एक पॉइंट बना होगा, एक ट्रायंगुलर पॉइंट होता है जिससे हम रीस्टार्ट, स्लीप मोड, हाइबरनेट वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं लिखा है शट डाउन और साइन आउट। अगर हमारे पास कई सारे यूज़र्स हैं तो हम साइन आउट करके यूज़र चेंज कर सकते हैं, जिसे हम स्विच यूज़र भी बोलते हैं या लॉग ऑफ करते हैं, वही आपका साइन आउट है। स्लीप करेंगे तो सिस्टम स्लीप मोड में आ जाएगा, जिसे हम स्टैंड बाई कहते हैं,
स्लीप मोड कहने का मतलब सिस्टम चलता रहेगा और आपका जो डिस्प्ले है वो बंद रहेगा और सिस्टम आपका ऑन स्थिति में होगा। यदि सिस्टम को हमको सेफली बंद करना है तो हम शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन करेंगे सिस्टम आपका नॉर्मली, सारी फाइलों को व्यवस्थित करके सिस्टम सेफली बंद हो जाएगा। उससे आपके फाइलों के ख़राब होने का या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी फाइल के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। तो कभी भी सिस्टम को बंद किया जाए तो शट डाउन करके ही बंद करते हैं। इसके बाद रीस्टार्ट ऑप्शन होता है। रीस्टार्ट के माध्यम से हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हम वार्म बूटिंग करते हैं, अगर हमारा सिस्टम चल रहा है अभी हम रीस्टार्ट करें सिस्टम बंद होगा और दोबारा ऑन होगा तो उसे हम वार्म बूटिंग कहेंगे। तो ये है आपका सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फर्स्ट डे की क्लास में आपको समझने जैसा होता है। ये इसकी बेसिक्स है। कंप्यूटर की स्क्रीन को समझना, कंप्यूटर को ऑन करना समझना, कंप्यूटर पर हम थोड़ा बहुत कैसे वर्क करते हैं ये समझना, तो ये आपकी फर्स्ट डे की क्लास है। इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक क्लास में आपको पढ़ाते चलेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपको कंप्यूटर का कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को केयरफुली देखें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे ये इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपके फ्रेंड को भी हो और जो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनके पास ये वीडियो जा सके। तथा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें, बिकॉज इस पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी और कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज आप फ्री में कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। यदि आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसका उचित सजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।